नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्रुति। बिहार में लोग वाहन तो खरीद देते हैं, लेकिन जब बारी आती है टैक्स पे करने की तो वो टैक्स पे नहीं करते। और ऐसे में अब विभाग ऐसे टैक्स पेयर्स जो पे नहीं करते हैं, जो वाहन मालिक है, उन पर शिकंजा कसने को तैयार हो गई। जी, आपको बता दें कि बिहार में बीते दिन भी 4 लाख से अधिक ऐसी गाड़ियां हैं जिनके मालिक गाड़ियों का टैक्स पे नहीं करते और उनको डिफॉल्टर की लिस्ट में शामिल किया गया। और खबर सासाराम से निकलकर सामने आई है, जहां पर कुल 9,955 गाड़ियों को डिफॉल्टर की लिस्ट में शामिल किया गया है। गाड़ियों के मालिक को डिफॉल्टर की लिस्ट में शामिल किया गया है जो टैक्स पे नहीं करते। और इसी को लेकर वहां के DTO रामबाबू इसको लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आप उन्हें सुने। ये रोहतास जिला में ये अभी हम लोग ये 4/5/23 का डाटा निकालने हैं तक, तो उसमें आपको 9,955 ऐसी गाड़ियां हैं जो टैक्स जमा नहीं किए हैं। तो ये चूँकि बहुत सारा वाहन होगा कि जो ऑफ रोड भी होगा, ऑन रोड भी होगा, लेकिन डाटा मेरा शो कर रहा है कि ये 9,955 ऐसी गाड़ियां हैं जो टैक्स जमा नहीं की है, तो ये डिफॉल्टर के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इन वाहनों से जो इनके वाहन स्वामी हैं, तो उनसे हम लोगों को टैक्स वसूल करना है। तो सभी वाहनों के जो वाहन स्वामी हैं, हम लोग नोटिस निर्गत कर रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, और नोटिस प्राप्ति के साथ ही उनको ये राशि जमा करने का भी निर्देश है। अगर वे जमा नहीं करते हैं तो सभी पर हम लोग सर्टिफिकेट नीलाम पत्र दायर करेंगे और ये नोटिस दे करके, वारंट दे करके, कुर्की जब्ती सब निकलवा करके हम लोग राशि की वसूली करवाएंगे। कितना सर टैक्स बाकी है और कितना फाइन वगैरह सब? इसमें 9,955 गाड़ियां हैं और ये टैक्स और फाइन दोनों मिला करके 25,33,00,000 से ऊपर का ये टैक्स बाकी है जिसको हम लोग को वसूल करवाना है। तो आपने वहां के DTO रामबाबू को सुना, जिन्होंने बताया कि सासाराम में कुल 9,955 गाड़ियों को जब्त किया गया और उन्हें डिफॉल्टर की लिस्ट में शामिल किया गया है, क्योंकि उन वाहनों के जो मालिक है वो टैक्स पे नहीं करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उनको नोटिस भी भेज दिया गया है, लेकिन अगर वो समय पर टैक्स पे नहीं करते हैं तो उसकी कुर्की जब्ती भी की जाएगी। देखिए, लगातार बिहार में कई ऐसे वाहनों के मालिक हैं जो वाहन खरीद तो लेते हैं, गाड़ियां खरीद तो लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है टैक्स पे करने की वो तो पीछे हट जाते हैं, जिसको लेकर अब विभाग शिकंजा कसना शुरू कर चुकी है। इन पर नकेल कसने की तैयारी भी शुरू की गई है। इसीलिए अब जितने भी सासाराम में वाहन खरीदे हैं जिन लोगों ने और उन्होंने टैक्स जमा नहीं किया है, तो आपको बता दें कि अब DTO की तरफ से कुल 9,955 गाड़ियों को डिफॉल्टर की लिस्ट में शामिल किया गया। और अगर आप जल्द से जल्द टैक्स पे नहीं करेंगे तो साथ ही साथ कुर्की जब्त की जाएगी। तो फिलहाल खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार इन शॉर्ट्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। खबर को लेकर क्या सोचते हैं कॉमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।